एयरपोर्ट अथॉरिटी की पॉलिसी है, एज अ पॉलिसी इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑल द मेजर एयरपोर्ट शुड गेट द आर्ट वर्क्स डन। हमने पहले भी कुछ आर्ट वर्क्स किए हुए हैं और उस पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो लोकल आर्ट वर्क है उसको प्रमोट करना। जैसे अब ये डांसिंग मैनिक्विंस हैं, गोवन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारे 3D डायमेंशंस के प्लेसमेंट किए हुए हैं, जिसमें गोवा में सबसे पहले जो प्रिंटिंग हुई थी वो गोवा में स्टार्ट हुई थी। तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉपरली हमने उनको रिफ्लेक्ट किया है। और हमारा एफर्ट ये है कि जो गोवन कल्चर है, जो सर ने जैसे बोला कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको एयरपोर्ट पर ही पहला एक्सपीरियंस गोवा कल्चर के बारे में फील होना चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कि वो जहाँ पर आए हैं वहाँ का एक अपना वो कल्चर को हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो यहाँ विजिट कर रहे हैं। जैसे तामली सुरला मंदिर है, या ओल्ड गोवा चर्च है, या दूध सागर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको हम सब एम्फसाइज करें। इज बेटर देन नेवर, सो वी आर रिफ्लेक्टिंग गोवन कल्चर। कौन बाइल पड़े था थोड़े डिपेंडिंग ऑन द सीजन दे मे नॉट बी एबल टू सी दिस वेर एवर दे गो। So at least when they come here, they see at the airport all the Goan culture. So many things which are bringing honor to Goa. So most of the things are displayed here. I'm very happy that the airport, finally, airport director has given stress on these issues and these are being displayed at the airport. Goan culture is part of the culture. I'm also in favor. I've been saying from beginning, if hotels are open, why not the bars? Wholesale bars are open, why not the bars? You see, the government has to take up with the government of India. And our we are not functioning now being because of this. If I were in Delhi, I would have taken up with the ministry. Poon Samir, for the last 5 months, a lot of people are suffering because of the economic activity. I'm also saying same thing. So that's what I'm saying. Government of Goa should have taken up with government of India. If the hotels are there, if wholesale bars are there, why shouldn't bars be open? Because the Goan culture, Goan people know to drink, they don't overdrink.